गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मम्मा के चैनल में। आज हम जा रहे हैं मेरा रिजल्ट लेने और यहाँ बेबो तैयार हो रही है और मम्मा यहाँ है और मम्मा यहाँ है। आज पारस का रिजल्ट है तो भाई पारस जो है सुपर एक्साइटेड है आज अपना रिजल्ट लेने के लिए। तो चलिए फटाफट पहले रेडी हो लेते हैं, फिर मिलते हूँ आपसे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, उनको मैंने दिया है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे यहाँ पे देखिए आलू मटर और साथ में चपातियाँ। तो अभी जब तक बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो गर्मियाँ ना बहुत ज्यादा होने लगी है यहाँ होशियारपुर में, बहुत ज्यादा जल्दी गर्मी हो जाती है। तो उतने जो भी चीजें बाहर पड़ी हैं उनको मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने जो है धुले मूंग की दाल भी हुई थी, तो इसके जो है आज मैं बनाऊंगी धुले मूंग के भल्ले, वो बनेंगे शाम को, जब भी बनेंगे आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और साथ में ना ये मैंने स्प्राउट भी हुए थे, तो इन सबका जो है पानी वगैरह निकाल के मैंने इनको रख दिया है यहाँ पे, इनको बाउल में डाल के रख देती हूँ। और हमें जाना है बाहर तक, और बाहर से फिर जाना है हमें ऑटो में। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे बाद में ऑटो में। स्कूल की तरफ अभी आगे जाके हम ऑटो पकड़ेंगे और मम्मा चलते हैं। और कैसा रहा आपका रिजल्ट? बहुत अच्छा रहा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और पारस का रिजल्ट, जैसे कि अब पारस हो गया 6th क्लास में और रिजल्ट उसका जो है बहुत अच्छा रहा है। और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आगे जो है ना अब कोरोना का कोई डर ना हो और बच्चे बेझिझक स्कूल जाएं और बहुत और ना बिना डर से जो है ऑफलाइन बच्चों की क्लासेस लगे और सब ठीक हो जाए बस पहले की जैसे। तो चलिए जो मिठाई मैं लाई हूँ वो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा लेते हैं। ये खुद खा रहे अपने आप ही खा गया पहले, ये आप सब लोगों के लिए है। तो ये होगी पार्टी पारस की तरफ से और मम्मा की तरफ से। वो बनाऊंगी मैं शाम के टाइम, तब को हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर सब मिलके जो है पार्टी करेंगे। और अभी जो है ना मैंने कपड़े धोने को डाले थे, आपने देखा ही था जाने से पहले, तो वो जो है धुल चुके हैं, उनको डालती हूँ बाहर। और बच्चों ने चेंज कर लिया लेकिन मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो देखूंगी अभी बाद में चेंज करूंगी, पहले मेरे जो है काम जो है वो निपटाना जरूरी है, कपड़ों को बाहर डाल लेती हूँ। और अब जो है ना आलस के दिन आ गए हैं, अगर आपके काम फटाफट हो गए तो हो गए, नहीं तो जो रह गए वो रह जाएंगे। तो चलिए पहले मैं कपड़ों को डाल लेती हूँ बाहर सूखने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने जो है कपड़े बाहर डाल दिए हैं सूखने के लिए और अभी मैं खा लेती हूँ कुछ पपीता, जो है मैंने कट करके रख दिया था कपड़े सूखने डालने से पहले क्योंकि वो फ्रिज में रखा था, तो अभी वो खा लेती हूँ और उसके बाद जो है बनाएंगे स्प्राउट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आप देख रहे हो स्प्राउट कितने अच्छे से जो है ये हो गए हैं। और मैंने ना इनको कपड़े में बांध के नहीं रखा था और मैं इसी तरह की बास्केट में जो है स्प्राउट बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए 2 दिन इनको रखे हुए और कितने अच्छे से बन गए हैं। और भाई स्प्राउट का आपको पता है किसी को जो है ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने ज्यादा ये हेल्दी होते हैं और वेट लॉस के लिए, तो ये सबसे अच्छी जो है ना वो है रेसिपी कह सकते हो आप।
और इनको जो है आप कैसे भी बना के जो है खा सकते हो। तो अभी जो है चलिए फटाफट मैं भी इनको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। एक तो आप इनको जो है ऐसे ही गर्म पानी में डाल के बना सकते हो, एक वो वाला तरीका जो है मैंने बहुत पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आज जो है मैं इनको बनाऊंगी तड़का लगा के। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे तीन प्याज लिए हैं और साथ में जो है टमाटर भी ले लिए हैं तीन, और आप चाहें तो टमाटर ना भी डालें तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने जो है टमाटर डाल दिए हैं। और आपके पास हरी मिर्च है तो आप वो डाल सकते हैं, लहसुन अदरक डाल सकते हैं, जैसे मतलब आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने अपना जो तरीका है वो शेयर किया है कि मैंने ये कैसे बनाए हैं बिल्कुल सिंपल से। तो बस जी चलिए बना लेते हैं। पहले मैंने जो है जीरा एज यूजुअल इसमें ऐड किया है, और फिर टमाटर प्याज ऐड कर दिए हैं, और हल्का हल्का इनको हमें पकाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल इनका जो है पेस्ट वूस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा पका लेना है। और यहाँ पे फिर जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, और मसालों में मैंने सिर्फ इसमें जो है धनिया पाउडर ऐड किया है और कोई मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, तो हल्का सा मैंने इसमें जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप जो है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए वाओ यम्मी यम्मी से लग रहे हैं। तो अभी जो है सारा कुछ इसको अच्छे से मिक्स करती है, और थोड़ी देर इसको जो है मैं ढक दूँगी, और थोड़ी देर ढकने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए ये जो है पक्के बिल्कुल यम्मी यम्मी से स्प्राउट हमारे रेडी हो गए हैं। और भाई अभी लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हरा धनिया, तो यहाँ पे हरा धनिया ऐड डाल दिया है। और जी अभी जो है स्प्राउट बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो भाई गैस मैंने कर दी है ऑफ, और स्प्राउट जो है बन के रेडी हो गए हैं। और अभी ना खाने का मूड है नहीं किसी का भी, तो जब दिल करेगा तो उस टाइम जो है हम खा लेंगे। और आपको एक चीज बताऊं, पहले ना मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जो है नखरे करते थे स्प्राउट खाने में, तो लेकिन अब जो है वो बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो है उनको मतलब देना बंद नहीं किए, बीच बीच में जो है मैंने स्प्राउट में बना ही देती थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो हमेशा अपने जो है वो कहते हैं ना डाइट में जो है स्प्राउट रखते हैं। हस्बैंड तो काफी ज्यादा मतलब पसंद करते हैं स्प्राउट, तो कई बार चने अलग से डाल देते हैं और मूंग अलग से, और जैसे मैंने आज बनाया है ना इकट्ठे, वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और अब जो है सब लोग जो है खुशी खुशी खा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारी बातें आज होगी, और आज जो है बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग भी आपके साथ जो है शेयर हो जाएगा। आई होप आपको जो है मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूंगी कि रोज नहीं तीसरे दिन आपके साथ जो है व्लॉग शेयर करूं, वैसे रोज कोशिश करूंगी। तो ना बहुत सारे जो है बीच में ऐसे काम अड़ जाते हैं कि जो है व्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, फोन उठाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन किसी भी जॉब में जो है हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ये जॉब जो है हमने खुद से चुनी है, और जो है इसमें कोई एक्सक्यूज जो है अलाउड नहीं है, ये मैं खुद कह रही हूँ। तो अभी ना व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको जो है मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको जो है मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। और यहाँ देखना आप रेड 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 निशान हो रहे हैं, तो एक्चुअली पता क्या हुआ है मुझे ना, यहाँ छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पिंपल हुए, जिसमें ना अब जैसे गर्मी है तो हल्की हल्की सी यहाँ जलन सी मची रहती है, और जैसे मैं स्कूल वगैरह गई थी तो मैंने मास्क लगाया था ना, उसकी वजह से जो है ज्यादा ही रेडनेस जो है आ गई है। तो अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।